वेलकम टू वानिक ऑनलाइन क्लासेस. आई एम दीपक सर एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ फिजिक्स क्लासेस. अच्छा, हम लोग का ऑलरेडी केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो गया है. केमिस्ट्री का दो क्लास ऑलरेडी हम लोग ने दे चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास, और एक चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है. और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लासेस. आई होप आप लोग सब नोट्स बना रहे होंगे. ठीक है, पता नहीं कमेंट्स में तो कुछ डाउट्स आ नहीं रहा है, मतलब डाउट्स शायद क्लियर हो जा रहा है आपका. फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए. आई विल पर्सनली ट्राई कि आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूँ, है ना. तो फिर टुडे वी विल स्टार्टिंग फिजिक्स क्लास एंड द फर्स्ट चैप्टर विल बी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. ठीक है, तो पहले फिजिक्स ऐसा सोचो कि ये जो फिजिक्स का क्लास चलेगा अभी, ये टारगेट ऑडियंस यहाँ पे सारे हैं जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, और वो कोई भी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कोई टेंशन नहीं है. द क्लास विल और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वहाँ पे जो सवाल आपके आएंगे दैट विल ओनली फ्रॉम योर 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास. आप लोग 11th, 12th का फिजिक्स पढ़ के रिसर्च करना चालू मत कर देना कि सर 11th क्लास में ऐसा ऐसा है, क्या होगा, 12th क्लास में और ज़्यादा है हार्ड. तो वो सब नहीं चाहिए, हम लोग को बेसिक्स चाहिए. आप जैसे भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस आप लोग देख लेना, वहाँ पे वो लिखा हुआ क्या, एवरीडे साइंस. इसलिए इसको ज़्यादा हाइप नहीं करना है कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है सर, इतना डेरिवेशन था, इतना प्रॉब्लमेटिक था. वैसे प्रॉब्लम्स आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग RRB का ALP एग्ज़ाम दे रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम दे रहे हो, या रेलवे का सेक्शन इंजीनियर एग्ज़ाम दे रहे हो, या RRB JEE जो निकला था अभी हाल ही में निकला था वो एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा. लेकिन वो भी इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि 11th क्लास और 12th क्लास में है. तो हम लोग का जो यहाँ पे फिजिक्स का क्लास चलेगा, ये सारा चीज़ को कवर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा. अगर फिर भी वही, फिर से मैं वही डायलॉग है मेरा कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए. ठीक है, तो अभी तो फिर से लॉकडाउन चल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स. तो पहला चीज़ है कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज फिजिक्स. जैसे हम लोग केमिस्ट्री में देखे थे, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाज इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, वैसे ही फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होगा. फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इंटरैक्शंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी. अंडरस्टूड, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में देखे थे इट इज वॉज ओनली ऑन द स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन यहाँ पे मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग को देखना है इन केस ऑफ फिजिक्स. वो विथ सब्सिक्वेंट क्लासेस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द इंटरेक्शन. बट फिर भी थोड़ा सा डेफिनेशन मैं बोलूँगा. मैटर का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. एंड व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट इट हैज एनीथिंग, एनी बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब जैसे सोच लो एक DC जनरेटर है, या DC मोटर ले लो, या सिंपल चीज दो हाथ को ले लो उसको रब करो, तो ये जो रब कर रहे हो, दिस हैंड्स हैव कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज योर एनर्जी. और यहाँ पे रबिंग करने से कुछ एनर्जी कन्वर्ट भी हो रहा है, वो तो बात की बात है. लेकिन अभी ये जानो कि एनीथिंग, एनी बॉडी इफ इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क देन दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वो जो एनर्जी है और मैटर है उसके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा दैट वी विल स्टडी इन केस ऑफ फिजिक्स. समझ में आया. नेक्स्ट, अभी जैसे ये अभी वही लिखा है, फिजिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी. अभी वी विल बी गोइंग टू क्वांटिटीज इन फिजिक्स. देखो जनरली जैसे क्वांटिटीज आप लोग बोलोगे तो क्वांटिटीज जनरली दो टाइप के हैं, एक है फिजिकल क्वांटिटी और एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी. जैसे आप लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, आप जिसको मेजर कर सकते हो वही क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग से कितना प्यार करता हूँ वो आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, वो दिल के अंदर की बात है, दैट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग जनरली वी विल बी कंसर्न्ड ऑन इन फिजिक्स विल बी कंसर्न ऑन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वन इज योर बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, अंदर वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एग्जाम में आता है, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये देखो जो साइंस के है ना उन लोगों के लिए ये पूरा हलवा है। ठीक है, वो लोग ये सब जानते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वी आर आवर टारगेट ऑडियंस इज नॉट ओनली सब गाइज हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के भी हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो मैं थोड़ा सा बेसिक से ही जाऊँगा, पूरा बेसिक से, थोड़ा सा नहीं पूरा बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, और जो भी साइंस के बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए एक ही सजेशन मैं दूंगा कि देखो जो बेसिक क्वेश्चन है ना, हम लोग को ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो हम लोग फंस जाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, कभी कभी ऐसा ऐसा सवाल आएगा कि मास का डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन लिखेगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मास। मास तो सबको पता है, वेट सबको पता है, टाइम सबको पता है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ मास क्या है, डेफिनेशन ऑफ टाइम क्या है, ये नहीं पता है। दैट इज द बेसिक्स एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई सब कुछ जानना है, ठीक है, और सब कुछ जानेंगे भी, बस बने रहिए। देखिए, तो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, फर्स्ट वन इज योर बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो, जैसे आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलोगे, जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ओनली सेवन, ओनली ऑफ सेवन टाइप्स। क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है देखो, एक है तुम्हारा मास, मास इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी, नोट बनाते रहिए, अगर थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले लिखिए उसके बाद फिर से शुरू कीजिए। ठीक है, मास, सेकेंड वन इज योर लेंथ, दिस इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी, थर्ड इज योर टाइम, मास, लेंथ, टाइम, फोर्थ इज योर टेम्परेचर। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, सो मोल इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर वन इज योर मास, नंबर टू इज योर लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर फाइव इज योर करेंट। ठीक है, करेंट, करेंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, है ना, करेंट का यूनिट एम्पियर, सो इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। और कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये भी तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है कैंडेला। ठीक है, इसको याद रखिए, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये साथ है आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सारे के डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, इतना डोंट वरी, लेकिन ये साथ याद रखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या है, मोल, इसको केमिस्ट्री में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर सिक्स इज योर करेंट, नंबर सेवन इज योर लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या है, यूनिट है कैंडेला। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस। अभी देखो नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा पहले बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। अच्छा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आया, सबको समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहे हैं,
है ना, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहे हैं दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम का यू, वॉल्यूम कहाँ से डिराइव है, वॉल्यूम कैसे डिराइव, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज डिराइव फ्रॉम सॉरी लेंथ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। और लेंथ ब्रेथ हाइट सबको कैसे मेजर करते हैं, यूनिट क्या है उसका, मीटर है उसका यूनिट, तो तीनों का यूनिट हो जाएगा एल एल एल, उसको हम डिराइव कर सकते हैं कैसे, एल क्यू, ठीक है। वैसे ही और एक जैसे डिराइव क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं, और एक डिराइव क्वांटिटी ले सकते हैं क्या, डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कहाँ से, कहाँ से डिराइव हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मास वाई वॉल्यूम, ठीक है। मास को अभी अगर मास का डेफिनेशन लिखेंगे, मास चीज़ें क्या है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम हम लोग देखें, वॉल्यूम किससे डिराइव हुआ है, लेंथ से डिराइव हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं एल क्यू। ऐसे में ये सारा चीज जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, डायमेंशन जब निकालेंगे, ठीक है, वो सब देखेंगे, डोंट वरी। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होके आ रहे, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स देखें, सारा चीज देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी, बस कॉन्सेप्ट को समझो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। अंडरस्टूड, दीज आर ऑल कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आया समझ में, वेरी गुड, लिखते जाइए, ठीक है ना, ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लिखिए, फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट अभी देखिए, जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी देखा, डिराइव्ड क्वांटिटी देखा, वैसे व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स, यूनिट्स क्या है। जैसे अभी सोचो, मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट कुछ है नहीं, ठीक है ना। 1 kg प्यार करता हूँ, 2 kg प्यार करता हूँ, या 1 liter प्यार करता हूँ, उसका यूनिट कुछ नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया, फीलिंग्स क्या हो गया, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन 1 liter दूध दो, ठीक है, या 1 liter आलू ले, सॉरी 1 kg आलू ले लेंगे, तो वो जो kg लीटर, ठीक है, लंबाई कितना है ना, 2 meter लंबाई है, तो ये जो लेंथ हो गया, जो तुम लोग मास हो गया, कितना सेकेंड पढ़ाएंगे, कितना सेकेंड पढ़ रहे हो, या कितना आवर पढ़ रहे हो, ये जो भी है, ये सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसको मेजर कर रहे हैं, एंड वी आर असाइनिंग ए यूनिट टू इट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं, उन सबका क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। तो यूनिट का डेफिनेशन थोड़ा सा लिखिए, यूनिट का डेफिनेशन होगा द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यूज, मतलब हम लोग मास को हमेशा किस में डिफाइन करेंगे, केजी में डिफाइन करेंगे। आप बोलोगे सर ग्राम में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, लेकिन मास का डिफिनेशन किस में रहेगा, केजी में रहेगा, नहीं तो ग्राम में ही रहेगा, ठीक है। वैसे अगर तुम लोग लेंथ को लिखोगे, लेंथ को कैसे लिखोगे, मीटर में लिखेंगे, ठीक है ना, या किलोमीटर में लिखेंगे। तो ये जो मीटर किलोमीटर जो भी है, उसको हम लोग क्या करें, एक फिक्स्ड वैल्यू दे, कि लेंथ हमेशा मीटर में ही डिफाइन होगा, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू विच हैज बीन असाइंड टू द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल, सॉरी, यूनिट का डेफिनेशन लिखिए, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू फॉर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स, ठीक है, फिर से बोलता हूं, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यूज फॉर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड यूनिट्स। अंडरस्टूड, ठीक है, नेक्स्ट अभी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, है ना। तो पहले क्या हुआ, हम लोगों का CGS सिस्टम आया, CGS सिस्टम, एंड व्हाट डू मीन बाय CGS सिस्टम, CGS सिस्टम पहले कहाँ से आया, CGS सिस्टम पहले डेफिनेशन CGS सिस्टम का किसने दिया, गॉस ने दिया, गॉस, ठीक है, गॉस इन 1870s गॉस पहले CGS सिस्टम, मतलब ग्राम, मिलीग्राम, ये सबका सारा कॉन्सेप्ट क्या, मिलीग्राम ये सबका कॉन्सेप्ट किसने लेके आए, गॉस लेके आए, ठीक है। गॉस
ये सबको मिलीग्राम में लेगा, मास को डिफाइन किए मिलीग्राम में, लेंथ को डिफाइन किए मिलीमीटर में डिफाइन किए, ठीक है, टाइम को डिफाइन किए सेकेंड में। याद रखना, गॉस फर्स्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम, ग्राम को वो रिप्रेजेंट किए, यूनिट में जो रिप्रेजेंट किए दैट वाज एन मिलीग्राम, दैट वाज मिलीग्राम, लेंथ को रिप्रेजेंट किए मिलीमीटर में और टाइम को रिप्रेजेंट किए सेकेंड में। लेकिन ये सब क्वांटिटी जो हो रहा है मिलीग्राम मिलीमीटर, ये सब क्या है, इसका वैल्यू बहुत छोटा है ना, ये वैल्यू बहुत छोटा है। इसीलिए उसके बाद आए केल्विन। केल्विन क्या किए, मास को रिप्रेजेंट किए किस में, मास को वो रिप्रेजेंट किए ग्राम में रिप्रेजेंट किए, देखते रहो, मास को रिप्रेजेंट किए ग्राम में रिप्रेजेंट किए, लेंथ को रिप्रेजेंट किए सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किए, लेंथ वाज रिप्रेजेंटेड इन सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। और टाइम, जैसे गॉस डिफाइन किया था टाइम को सेकेंड में, लेंथ सॉरी टाइम को केल्विन में, केल्विन ने भी सेकेंड में ही रिप्रेजेंट किया। और इसी कॉन्सेप्ट से आया कौन सा, सीजीएस सिस्टम, जिसमें सी क्या है सेंटीमीटर, जी क्या है ग्राम, एस क्या है सेकेंड, अंडरस्टूड। एंड दिस सीजीएस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच कॉन्सेप्ट, याद रखना, ये एएलपी में क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड जो बोलते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, वो लोग ये छोटा छोटा चीज जानते तो है लेकिन इसको कभी ध्यान नहीं देते हैं, और वही क्वेश्चन वो डाल देगा, अरे ये क्या क्वेश्चन डाल दिया यार, सीजीएस सिस्टम कौन से कॉन्सेप्ट से या कौन से देश से आया हुआ है, तो वही चीज़ है, सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, ठीक है। कौन पहले लेके आए थे, गॉस, देन केल्विन डिफाइन ऑल दिस थिंग्स, अंडरस्टूड। अभी और थोड़ा सा सीजीएस सिस्टम के बारे में जानेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल what will be the unit of work or energy in case of CGS system, unit of work or energy in case of CGS system, the unit is erg, ठीक है, अर्ग, ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो कि आज के डेट में सारा चीज हम लोग क्या में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सीजीएस सिस्टम में और सीजीएस कॉन्सेप्ट में वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है, अर्ग, ठीक है, अच्छा। और लेकिन एसआई में क्या है, एसआई में है जूल, अंडरस्टूड, एसआई में है जूल। आई होप जो भी आर्ट्स का और कॉमर्स के लड़के हैं वो सारा उनके थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है, नहीं भी घुस रहा है तो वीडियो को दो तीन बार देखिए, सब घुसेगा, डोंट वरी। हम लोग, मैं पूरा धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए, नोट बनाते रहिए। तो वर्क और एनर्जी, उसका सीजीएस यूनिट, ठीक है, वर्क और एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग, एसआई यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आया, देखो, वन जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, ये याद रखना पड़ेगा, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग। लेकिन एएलपी में, एएलपी एग्जाम में क्वेश्चन आया 1 अर्ग इक्वल टू कितना जूल, कितना होगा, इजी है, कितना होगा, 10^-7 जूल, जूल बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये आ भी चुका है, ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग और 1 अर्ग इक्वल टू 10^-7 जूल, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला वर्क और एनर्जी का समझ में आया, नंबर टू में देखिए फोर्स। तो अभी फोर्स के बारे में देखेंगे, वर्क के बारे में सबको समझ में आया, वर्क और एनर्जी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, अर्ग है, ठीक है, और 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, 10^7 अर्ग। क्वेश्चन कैसे आया था, 1 अर्ग इक्वल टू कितना जूल, 10^-7 जूल। अभी नेक्स्ट देखते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स का यूनिट इन सीजीएस सिस्टम क्या है, इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का यूनिट है डायन, और एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, ऐसा यूनिट है न्यूटन, अंडरस्टूड, ये याद रखना, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन, ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट है
न्यूटन। और एक चीज याद रखना, वन न्यूटन, जैसे वन जूल इक्वल टू, आप लोग ने देखा कितना अर्ग है, वन जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग, वैसे ही वन न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन। ठीक है, ये याद रखना, वन न्यूटन, न्यूटन को एन भी लिखो, वन न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन। ठीक है, डी वाई एन ई डाइन, उल्टा पूछ लेगा, वन डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, वन डाइन इक्वल टू 10^-5 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 में देखो, फोर्स के बाद नेक्स्ट, ये समझ में आया ना, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग, सीजीएस सिस्टम कहाँ से आया है, फ्रेंच कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, और उसको पहले कौन लेके आए थे, गॉस लेके आए थे। गॉस ने पहले किस में, मास को किस में डिफाइन किया था, मिलीग्राम में डिफाइन किया था, लेंथ को मिलीमीटर में, एंड टाइम वाज इन सेकेंड। उसके बाद उसको फिर से डिफाइन किया कौन, केल्विन डिफाइन किए, और केल्विन ने मास को ग्राम में डिफाइन किया, तो लेंथ को सेंटीमीटर में डिफाइन किया, टाइम वाज सेम एज सेकेंड, है ना। तो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफपीएस सिस्टम। आई होप यू ऑल आर राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, लिखते रहो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफपीएस सिस्टम। जैसे हम लोगों ने देखा सीजीएस कॉन्सेप्ट, वैसे ही एफपीएस कॉन्सेप्ट। सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। वैसे ही एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एंड एस मतलब सेकेंड। अभी देखिए, जैसे सीजीएस फ्रेंच कॉन्सेप्ट है, वैसे ही एफपीएस ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम, याद रखना इसको, इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम, है ना। फुट पाउंड सेकेंड। अच्छा, वैसे लिखो, देखो थोड़ा सा लिख लो, एफ मतलब फुट, ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा चीज है, ये सारा चीज थोड़ा याद रखना पड़ेगा हम लोग को, क्या करेंगे। अच्छा, वन फुट, ठीक है, वन फुट इक्वल टू कितना इंच, एक फुट कितना इंच होगा, 12 इंच, और कितना मीटर होगा, 0.305 मीटर, है ना। वन फुट इक्वल टू 12 इंच एंड 0.305 मीटर, अंडरस्टूड। वैसे ही पाउंड देख लो, वन पाउंड इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 453। वन पाउंड इक्वल टू 453.5 ग्राम। ठीक है, 4.5, इसको केजी में भी, इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। एक फुट 12 इंच और 0.305 मीटर। देखिए, ये सारा क्वेश्चन आप लोग एसएससी में एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, ये सब आता है कहाँ पे, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, या रेलवे का एग्जाम होगा, जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम होगा, ये छोटा छोटा चीज पूछेगा, लोग ये सब नहीं जानते हैं, बिलीव मी, ये सारा चीज़ नहीं जानते। एक फुट कितना मीटर होता है, 12 इंच पता होगा, मीटर पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो वन फुट इक्वल टू 0.305 मीटर, वन पाउंड इक्वल टू 453.5 ग्राम, है ना। लेकिन सेकेंड देखिए, सीजीएस सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड रहा, एफपीएस सिस्टम में भी टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहा, है ना। अच्छा, तो अभी इसमें कुछ एम्बिग्यूटी नजर आ रहा है। एम्बिग्यूटी क्या है, एम्बिग्यूटी हो गया क्या, कि भाई ब्रिटिश वाले एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे हो, फ्रांस वाले सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या भाई। ब्रिटिश से कोई सामान अगर फ्रांस को जा रहा है, तो वहां पे तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो वो बोलेंगे भाई तुम मतलब तुम ग्राम में लेके आओ, ग्राम में कन्वर्ट करके बोलो, ये बोलेंगे पाउंड में कन्वर्ट करेंगे बोलेंगे, तो इसमें टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, देयर वाज ए नीड क्या, कि भाई एक ही सिस्टम करो जिसमें हर जगह वो सिस्टम यूज हो पाएगा। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया में अभी सोचो, इंडिया में रुपीस यूज हो रहा है, यूएसए में डॉलर यूज हो रहा है कि नहीं, चाइना में रेमनी भी यूज हो रहा है। तो अभी कोई इंडिया से चाइना गया, उसको अगर पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा अपना पैसा को,
ऐसा तो कन्वर्ट हो नहीं सकता है। इसीलिए क्या हुआ, देर वॉज ए कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, कि सारा करेंसी को एक करेंसी के साथ हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल द करेंसीज वर इक्वेटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। नाउ आप लोग देखना, डॉलर में सारा करेंसी, हम लोग जब पीपीपी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड है ना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या, कि सामान कितना कहाँ पे कि उसका रेट डॉलर टर्म्स में इंडिया में कितना है, यूएसए में कितना है, चाइना में कितना है, जहाँ पे जो सस्ता है, समझ में आएगी नहीं। वैसे ही अगर इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स में भी तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे कि सारे यूनिट को एक ही कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। तो वैसे सीजीएस एफपीएस के बाद और एक कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज एमकेएस कॉन्सेप्ट, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस कॉन्सेप्ट। एमकेएस मतलब एम में है मीटर, के में है किलोग्राम, केजी, एस सेम रहा। देखिए तीनों सिस्टम में सीजीएस हो, एफपीएस हो या एमकेएस हो, ये तीनों सिस्टम में क्या है, सेकंड टाइम का यूनिट चेंज नहीं हुआ है, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एमकेएस में मीटर रहा, केजी रहा और सेकेंड रहा। दिस वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम और 1960, प्लीज रिमेंबर द ईयर, 1960 में ये एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्सन आया, सिस्टम इंटरनेशनल, इट वॉज कॉल्ड एसआई कॉन्सेप्ट। समझ में एमकेएस, बहुत ईजी है, डोंट वरी। एमकेएस सिस्टम को, एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्सन है एसआई यूनिट और एसआई कॉन्सेप्ट, सिस्टम ए इंटरनेशनल। ये डेफिनेट, ये फुल फॉर्म कभी नहीं आएगा, बट याद रखो सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो पहले थोड़ा सा चीज जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ। अभी लेंथ का डेफिनेशन क्या है, हम लोग सबको पता है लेंथ का यूनिट है क्या, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। लेकिन वो मीटर का डेफिनेशन क्या है, हाउ यू डिफाइन लेंथ, दैट इज एक्चुअली द क्वेश्चन इन योर एग्जाम, एएलपी एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लेंथ, कुछ चॉइस दे देगा, फिर आप लोग घूमते रहिए कि क्या है डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए लेंथ का डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिखिए, वन मीटर मीन्स हाउ मच डिस्टेंस लाइट हैज ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, ठीक है। वन मीटर मीन्स हाउ मच डिस्टेंस लाइट हैज ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसके साथ ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, लाइट के साथ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ डिफिनेशन, वन मीटर मीन्स हाउ मच डिस्टेंस लाइट हैज ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस लाइट, वो डिस्टेंस कितना निकल गया है, हम लोग को पता है 3×10⁸ मीटर, मतलब वन सेकेंड में लाइट इज ट्रेवलिंग 3×10⁸ मीटर, ठीक है। और वही से कॉन्सेप्ट आया किसका, लेंथ का कॉन्सेप्ट आया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अभी देखिए इसको भी लिखिए, ऑन 28 मई 1875 ए मीटिंग वॉज कॉल्ड एट पेरिस, ठीक है, ए मीटिंग वॉज कॉल्ड एट पेरिस विच वॉज नेम्ड एज मीटर कन्वेंशन। पूरा बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, सारा चीज को पढ़ेंगे। ए मीटिंग वॉज हेल्ड इन पेरिस विच वॉज नेम्ड एज मीटर कन्वेंशन, ठीक है, मीटर कन्वेंशन। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, क्यों बुलाई गई थी, हम लोग को लेंथ का यूनिट जो मीटर है उसका डेफिनेशन को डिफाइन करना था, इसलिए ये मीटर कन्वेंशन का, ये जो मीटर कन्वेंशन, ये मीटिंग बुलाई गई थी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
इस मीटिंग में लेंथ का डेफिनेशन तो डिफाइन किए, उसके साथ साथ तीन और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेफिनेशन आया। ठीक है, तीन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है उसको लिखिए। नंबर वन में है CGPM। ठीक है, CGPM उसका फुल फॉर्म लिखिए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। नंबर टू CIPM, इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट एंड मेजर्स। CGPM नंबर वन, नंबर टू CIPM, इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट एंड मेजर्स। नंबर थ्री BIPM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन देख लीजिए, इस सबका फुल फॉर्म देख लीजिए, CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, CIPM, इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट एंड मेजर्स, BIPM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी देखिए आपको समझ में आया ये मीटर कन्वेंशन में क्या हुआ। मीटर कन्वेंशन में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, मीटर का डेफिनेशन को किसके साथ डिफाइन किया गया, दिस इज ए क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में आता है, मास का डेफिनेशन किसके साथ है, मीटर का डेफिनेशन किसके साथ है, तो मीटर का डेफिनेशन किसके साथ डिफाइन किया गया, लाइट कॉन्सेप्ट, कितना डिस्टेंस, हाउ मच मीटर और हाउ मच डिस्टेंस लाइट इज ट्रेवलिंग इन वन सेकेंड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, हम लोग, मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, क्या बोला मैंने, 1960 में SI यूनिट का कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट SI यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, दैट इज एन एक्सटेंडेड वर्सन ऑफ MKS सिस्टम। ठीक है, अभी देखिए 1960 में जो SI यूनिट का कॉन्सेप्ट आया, 1960 में BIPM वालों ने क्या किया, 6 SI यूनिट्स का डेफिनेशन को बताया, पहले 6 SI यूनिट, हम लोगों ने देखा है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के, मैंने अब तक बोला यूनिट का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे उसमें से 6 फंडामेंटल क्वांटिटी के SI यूनिट को डिफाइन किया गया इन 1960। समझ में? नेक्स्ट, जो 7th SI यूनिट था, 7th SI यूनिट 1971 में इसका यूनिट डिफाइन किया गया, एंड दैट 7th SI यूनिट वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज यूनिट इज नाउ मोल। अंडरस्टूड? 1960 में कितना SI यूनिट आया था, 6 SI यूनिट, 1971 में 7th SI यूनिट आया, एंड दैट 7th SI यूनिट वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज हुज यूनिट इज मोल। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखिए आज के डेट में अकॉर्डिंग टू BIPM ठीक है, अकॉर्डिंग टू BIPM हम लोग का कितना SI यूनिट है, वी हैव 7 SI यूनिट्स, याद रखना है इस सारा चीज को, 7 SI यूनिट्स एंड वी हैव 22, ठीक है, 22 डिराइव्ड यूनिट्स, वी हैव 22 डिराइव्ड यूनिट्स, 7 SI यूनिट्स, 22 डिराइव्ड यूनिट्स, सारा के बारे में हम लोग जानेंगे, डोंट वरी, आप लोग थोड़ा नोट बनाते रहिए, अकॉर्डिंग टू BIPM कितना SI यूनिट है, ये एक क्वेश्चन है, ALB में आ चुका है, RRB JEE में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लोग सोच के जाएंगे कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम एक ही आएगा और सारा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, अरे यार क्या पूछ लिया, कुछ नहीं है, बस देखते रहिए वीडियो, एंजॉय कीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BIPM वी हैव 7 SI यूनिट्स, 22 डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उस सबका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी हेडिंग दीजिए, सारा चीज़ समझ में आया हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सबको समझ में आया। जो फिजिक्स है, फिजिक्स का डेफिनेशन सबको समझ में आया, एंड जो क्वांटिटीज़ है वो क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने दो कैटेगरी में किया। कौन सा कैटेगरी में हम लोगों ने किया? एक है तुम्हारा आपका एक है फिजिकल क्वांटिटी और एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज को फिर से दो भाग में किया, क्या है वो? एक है फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अभी उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, जिसमें से एक का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने जान चुके हैं। एक नंबर 1 में लेंथ, लेंथ का डेफिनेशन हम लोग को पता है, एंड लेंथ, लेंथ का कॉन्सेप्ट और जो लेंथ का जो मीटर का डेफिनेशन है, वो मीटर का डेफिनेशन किसके साथ उसको जोड़ा गया है? उसको लाइट के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। कि हाउ मच डिस्टेंस light is traveling in 1 second, which we are telling 3×10⁸ meter, ठीक है। तो meter का definition is related to the light. Number two में हम लोग देखेंगे time का definition। ये सारा चीज याद रखो, ठीक है, पढ़ रहे हो ना, सारा पढ़ते रहो, है ना, क्योंकि ये चलेगा। अभी कोरोना अभी जा नहीं रहा है तो, लेकिन कोरोना नहीं जाएगा इसका मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कहीं पे नहीं लिखा है। एग्ज़ाम तो होगा, और अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोग अगर पूरा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर फंस जाओगे। जिस दिन एग्ज़ाम आएगा उस दिन बोलोगे अरे यार नहीं पढ़ा था क्या करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पढ़ना चालू रखो और क्वेश्चंस करते रहो। जो जिसका हो गया है, जिसका सारा कंप्लीट हो चुका है, जो जिन्होंने सारा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, जो फ्रेशर्स है, वो लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, एंड बी पेशेंट, हैव पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ही सब कुछ है, ठीक है। पेशेंस नहीं रखोगे हार जाओगे तो फिर ख़त्म है, पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। पेशेंस रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा, अंडरस्टूड। तो देखो अभी टाइम का डेफिनेशन, हम लोग को टाइम का यूनिट तो पता है, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड? ये सेकंड का डेफिनेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये क्वेश्चन आता है। इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिए 1 second इज द टाइम इलैप्स्ड, 1 second इज द टाइम इलैप्स्ड, है ना, 1 second इज द टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग, 9.19×10⁹, 1 second इज द टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग 9.19×10⁹ साइकल्स, 9.19×10⁹ साइकल्स ऑफ द रेडिएशन, 9.19×10⁹ साइकल्स ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड, ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन, ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांजिशन बिटवीन, of the radiation produced by the transition between two levels of cesium-133 atoms, ठीक है। और एक बार पूरा अच्छा से देखो, 1 second is the time that elapses, 1 second is the time that elapses during 9.19×10⁹ 9.19×10⁹ cycles of the radiation produced by the transition between
produced by the transition between two levels of cesium-133 atom. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. अच्छा देखो, हम लोग को पता है ग्रुप 1A, ग्रुप 1A, ग्रुप 1A केमिस्ट्री का थोड़ा सा देख लो. ग्रुप 1A में जो आपका टेबल है, पीरियडिक टेबल, ग्रुप में कौन से एटम्स है. हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है. ठीक है, इसको याद रखना, थोड़ा उड़िया में है, याद रखना. होलिना, ठीक है, होलिना कोरिबू केस फ्रांस रे. ठीक है, होलिना कोरिबू केस फ्रांस रे. दिस इज ग्रुप 1A एलिमेंट. ठीक है, एच में है हाइड्रोजन, एल आई में लिथियम, एन ए में सोडियम, के में पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ये जो सीजियम है, दिस एलिमेंट, सीजियम एलिमेंट, इसका एक यूज एक ही है जो कि सारे एग्जाम में आता है. कहाँ पे आता है ये, कौन से, मतलब क्या यूज क्या है इसका. यूज है, दिस इज यूज्ड एज एटॉमिक क्लॉक्स. दिस इज यूज्ड एज एटॉमिक क्लॉक्स. क्यों एटॉमिक क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स क्या है. एटॉमिक क्लॉक्स है जो जीपीएस सिस्टम रहता है, आपके मोबाइल में भी जीपीएस सिस्टम रहता है ना, तो वो जो जीपीएस सिस्टम है आपको रियल टाइम वो वैल्यू बताएगा, कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ से जाना है. तो वो जो रियल टाइम वैल्यू वो कैसे बताता है, बिकॉज ये सीजियम का प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट चेंजेस. ठीक है ना, इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के लिए वी आर यूजिंग सीजियम एटम फॉर द डेफिनेशन, फॉर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड. अरे समझ में आ रहा है, सीजियम एटम, ये यूज याद रखना. सीजियम एटम का यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स. एटॉमिक क्लॉक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ पे है, जीपीएस सिस्टम में है, सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में है. ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता क्या है, रियल टाइम में आपको डायरेक्शन बताएगा जीपीएस सिस्टम. तो वो जो रियल टाइम में डायरेक्शन बता रहा है, कैसे बता रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी इट चेंजेस. इसीलिए सीजियम एटम को हम लोग ले रहे हैं टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड. समझ में, तो ऐसे क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, देखो ये समझ में आया ना, ये सारा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम लोग ने क्या किया, सीजियम 133 एटम लिया. ठीक है, इसको एक्साइट किया. ये जब एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्साइट कर रहे हैं मतलब वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी. अभी देखो फिजिक्स का डेफिनेशन क्या था, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. अभी ये क्या है, इट इज ए मैटर. क्या दे रहे हैं इसको, एक्साइटेशन, मतलब वी आर प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ हीट, वही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना. तो यह है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर ऑफ एनर्जी. ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा लेते जाइए. तो क्या है, सीजियम 133 को हम लोगों ने एक्साइट किया. जब एक्साइट करेंगे, दिस इज ए रेडियो एक्टिव टाइप ऑफ एटम, रेडियो एक्टिव टाइप ऑफ एलिमेंट, तो क्या होगा, इसमें से कुछ रेडिएशन निकलेगा. ठीक है, वो जो रेडिएशन निकलेगा, एक होगा आपका अपर लेवल और एक होगा लोअर लेवल. तो ये रेडिएशन क्या होगा, इट विल ट्रैवल, ये ट्रैवल करना स्टार्ट होगा. तो जब ट्रैवल करना स्टार्ट होगा, वो ट्रैवल जब करेगा तो क्या होगा, कितने टाइम में, ठीक है, कितना टाइम वो ले रहा है टू कंप्लीट 9.19 इंटू 10^9 साइकल्स. समझ में, कितना टाइम ले रहा है, कौन ले रहा है, सीजियम एटम ले रहा है टू कंप्लीट 9.19 इंटू 10^9 साइकल्स. मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो एक साइकिल कौन सा है, 9.19 इंटू 10^9 साइकल्स, उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, एक सेकंड लेगा. तो वो सेकंड को हम लोगों ने डिफाइन किया किसके साथ, सीजियम एटम का रेडिएशन के साथ डिफाइन किया.
इतना ज़्यादा नहीं है, इतना जानने का बहुत क्या है इसमें, कितना साइकिल्स ले रहा है, 9.19 × 10.9 साइकिल्स, कौन सा एटम यूज़ किए थे, सीजियम 133 एटम यूज़ किए थे, सीजियम 133। और यू कैन से सीजियम एटम का ये भी क्वेश्चन है, सीजियम एटम का पॉपुलर एप्लीकेशन कहाँ पे है, एटॉमिक क्लॉक्स में है। एटॉमिक क्लॉक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है, सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है या GPS सिस्टम में है। अंडरस्टूड। लेंथ का डेफिनेशन, लेंथ को किसके साथ रिलेट किया गया, स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेट किया गया। टाइम को किसके साथ रिलेट किया गया, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। सेकंड को किसके साथ रिलेट किया गया, सीजियम 133 का रेडिएशन के साथ रिलेट किया गया। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट टाइम के बाद और एक चीज लिखिए, नोट में लिखते जाइए, सारा चीज लिखे। नेक्स्ट देखिए, ऑन 16th नवंबर 2018 2018 इन सीजीपीएम मीटिंग ठीक है, तो तीन ऑर्गेनाइजेशन थे मीटर कन्वेंशन में, सीजीपीएम, CIPM, BIPM। तो जो CGPM का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में वो लोगों ने डिफाइन किया क्या, एक न्यू डेफिनेशन दिया। किसको न्यू डेफिनेशन दिया, यही तो क्वेश्चन है यार। एक है मास का नया डेफिनेशन आया। नेक्स्ट, हम लोगों ने लेंथ देख लिया है, टाइम भी देख लिया है ना, मास का नया डेफिनेशन आया, करंट का नया डेफिनेशन आया, करंट का यूनिट क्या था, एम्पियर, मतलब एम्पियर का नया डेफिनेशन आया, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन का नया डेफिनेशन आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच वाज हुज यूनिट वाज मोल, ठीक है। ये जो चार यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये चार फंडामेंटल क्वांटिटी का नया डेफिनेशन आया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने लेंथ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेंथ को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेट कर रहे हैं, टाइम को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, टाइम को वी आर रिलेटिंग टाइम विथ सीजियम 133 जो एटम है उसका रेडिएशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। अभी मास, अभी हेडिंग दो नंबर थ्री में, मास का डेफिनेशन क्या है ना, मास का यूनिट तो हम लोग सबको पता है केजी, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास, ये जो केजी का डेफिनेशन क्या है। देखो, पहले क्या होता था ना, पहले हम लोग जब केजी ले रहे थे तो केजी में क्या है, वो वहाँ पे एक सिस्टम था कि ऐसे सोचो कि हम सपोज एक प्लैटिनम बेस इनगॉट रखे थे, ठीक है, प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट है ना, तो वो वहाँ पे वो पेरिस में उसको एक बॉक्स के अंदर ऐसा एक चीज रहेगा, दैट इज प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट, इसका जितना मास रहेगा उसी मास के हिसाब से डेफिनेशन दिया गया था। लेकिन ये जो प्लैटिनम बेस्ड सब्सटेंस है, दिस इज ए सब्सटेंस प्लैटिनम बेस्ड सब्सटेंस, ये सब्सटेंस विथ टाइम, समझो ये जो सब्सटेंस है विथ टाइम इसका क्या होगा, मास रिड्यूस करेगा। अगर विथ टाइम मास रिड्यूस कर रहा है तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि केजी का डेफिनेशन सेम रहेगा, है कि नहीं, केजी का डेफिनेशन तो चेंज होता जाएगा रियल लाइफ में। जैसे हम लोग 1 kg ले रहे हैं, अभी वो जो एक देखे हो ना, जब वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो वो एक केजी का पत्थर रहेगा, लोहा का, ठीक है ना, 500 ग्राम का भी रहेगा। अभी सोचो वो जो केजी है और 500 ग्राम है, उसको तो आयरन का बना हुआ है ना, तो उसका तो वेट रिड्यूस होता जाएगा, मास तो रिड्यूस होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वहाँ पे कोरोजन तो होगा ना, तो कोरोजन अगर होगा तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो आप लोग देख रहे थे ना, वो केजी का, 500 ग्राम का, 25 ग्राम का, 50 ग्राम का जो था, वो सबका क्या है, वो सबको रिलेट किससे करते थे, प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट के साथ करते थे। लेकिन आज के डेट में ये सारा चीज, मतलब 2018 को ये सबका कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया, डिलीट मार दिया, अब ये नहीं रहेगा।
तो हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी जितना भी ये जो चार आप लोग देख रहे हो ना, मास है, करंट है, टेम्परेचर है, मोल है, ये सबको हम लोग रिलेट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ, ठीक है ना। मतलब केजी का जो डेफिनेशन आएगा वो केजी का डेफिनेशन एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होगा, एम्पियर का डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट होगा, सबका डेफिनेशन, ये जो चार है ना, ये सारा चारों का डेफिनेशन अभी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करेंगे। तो मास का डेफिनेशन किसके साथ रिलेट किया गया, मास का डेफिनेशन को, मास का डेफिनेशन को रिलेट किया गया प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, मास का डेफिनेशन को प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ रिलेट किया गया, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड। यूनिट याद रखना, वैल्यू भी याद रखना, और ये भी याद रखना कि मास का जो डेफिनेशन है, मास का डेफिनेशन पहले हम लोग किसके साथ रिलेट कर रहे थे, ओल्ड डेफिनेशन क्या था, इट वाज अ प्लैटिनम बेस्ड इनगॉट, लेकिन आज के डेट में मास का डेफिनेशन और केजी का डेफिनेशन किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है यार, मास का डेफिनेशन किसके साथ रिलेट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ रिलेट करेंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल सेकंड, ठीक है। जिसको हम लोग इसको, इसका ये सिंबल क्या है, स्मॉल h। अभी आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये तो लाइट का यूनिट है, ये तो लाइट में आता है, अभी इसको आप कैसे मास के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। भाई देखो, हम लोग को पता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम लोग, एक मिनट, एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, E=h(ν), न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी का वैल्यू है। आप यहाँ पे अभी h का वैल्यू क्या था, h का वैल्यू, h इज व्हाट, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। तो h इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/ν, है ना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि प्लैंक्स कांस्टेंट को मास के साथ कैसे रिलेट किया गया, कैसे रिलेट किया गया। आप लोगों को पता है आइंस्टाइन का इक्वेशन E = क्या था, mc² / ν, हो गया ना। h है प्लैंक्स कांस्टेंट और m है मास, हो गया रिलेशनशिप। अभी सोचो प्लैंक्स कांस्टेंट चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो मास का डेफिनेशन अभी रहा कि नहीं रहा। एंड दिस डेफिनेशन, ये जो चारों का डेफिनेशन चेंज किया गया 2018 में, इट हैज टेकन 131 ईयर्स टू चेंज दिस डेफिनेशन, सोचो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो समझ में आया, मास का डेफिनेशन को किसके साथ रिलेट किया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ रिलेट किया गया, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना देखिए, नोट वोट बनाते रहिए, ठीक है, और कुछ भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, और क्लास के बारे में बोलिए कि क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी है, थोड़ा सा फीडबैक भी देते जाइए, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं दोगे तो हम लोग का डेवलपमेंट, मुझे लगा कि हाँ मैं तो मस्त पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ भी मेरे में डिमेरिट है वो आप लोग ही सुधार सकते हो, आपके वजह से हम लोग टीचर हैं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है, थैंक यू।